अगर अभी फेसबुक के पेज प्रोफाइल कहीं पे भी वर्क कर रहे हैं तो अभी लोगों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। लोग ये बोल रहे हैं भाई हमारा पेज प्रोफाइल पे आउट कुछ भी, मतलब बोल रहे पे आउट ही दिख नहीं रहा है, चाहे वो पेज हो चाहे प्रोफाइल हो एनएक्स वाई जेड कोई भी चीज़ है उनका, वहाँ पर वो कुछ भी वहाँ पे शो नहीं हो रहा, उनके कोई डिटेल्स नहीं शो हो रही है, उनके कोई बैंक इन्फॉर्मेशन नहीं शो हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन्स में लोग और परेशानी कि आखिर में ये हो क्यों रहा है, ऐसा तो नहीं हैक्ड हो गया है। देखो आप समझो बातों को भाई, अगर पे आउट हैक्ड होता है तो उसका एक डिफरेंट केस है, डेटा अगर आपको शो नहीं होता उसका एक अलग केस है, और अगर पे आउट हैक होता है तो उसमें मैंने ऑलरेडी अभी एक आई होप कि आपने देखा होगा 4-5-6-7 वीडियोस पीछे जाओगे तो ऑफिस में आए थे लाइव वीडियो उनके साथ मैंने बनाया था कि उनका 5 महीने में कितना बड़ा नुकसान हुआ था, कई लाखों का, आई थिंक 13-14 लाख शायद राउंड फिगर में या उससे भी कहीं ज़्यादा या कम। तो अभी यहाँ पर आप समझो कि पे आउट क्यों नहीं शो हो रहा है, रीज़न क्या है, आपको कोई भी डिटेल्स देखने को क्यों नहीं मिल रही है, और आखिर में इसका सॉल्यूशन क्या है, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे ताकि हमारी बैंक इन्फॉर्मेशन हम चेंज कर सकें, हम अपनी इन्फॉर्मेशन बदल सकें, एंड मोरमेंट सारी चीज़ें हम कैसे बदल सकेंगे, तो उसके लिए आपको पूरी डिटेल्स में समझना सब कुछ बहुत ज़रूरी है ताकि आप हर एक चीज़ आप क्लियर हो जाए कि भैया ये चीज़ ऐसे और इस वजह से ये हो रहा है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे पहले लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, ताकि आपको सब चीज़ क्लियर हो जाए। जैसा आप देखोगे यहाँ पर एक मेरे पास ये इधर यहाँ पे आप नोटिस करोगे कुछ यहाँ पे मेरे पास पे आउट्स हैं, तो अगर मैं सबसे पहले वाले पे आउट में जो खुला हुआ है इसकी अगर मैं सेटिंग्स में देखूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ये सेटिंग्स में यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है, बट कई ऐसे पे आउट्स हैं जिनकी इन्फॉर्मेशंस नहीं दिख रही हैं, जैसे कि मान लो मैं यहाँ से मैं ये वाला पे आउट खोलता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे ये डिटेल्स नहीं शो हो रहा है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि भैया यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा है। और ऐसा ही इतना ही नहीं, अगर आप इसको क्रिएटिव स्टूडियो में या नए तरीके से अगर आप ओपन करोगे तो भी ये देखो यहाँ क्या दिखता है, आपका यहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन दिखता है जैसे उसमें दिखा था, मैं दोबारा चेंज कर रहा हूँ, आप देखो यहाँ से ये देख रहे हैं इसमें यहाँ पे पूरी डिटेल्स दिख रही हैं। अगर मैं यहाँ पे इस पे आउट की बात करूँ तो इस पे आउट में ये सब कुछ शो ही नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, अगर मैं इसके अलावा कोई और पे आउट में देखूँ तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ से ये वाला पे आउट देखें तो इस पे आउट में भी यहाँ पे देखो यहाँ पे शो हो रहा है, तो मतलब कुछ में शो हो रहा है कुछ में शो हो नहीं रहा है, आखिर में ये सब क्यों हो रहा है, क्या कारण है इन सब चीज़ों का। तो भैया देखो देखो इसके अंदर भी नहीं दिख रहा है। अच्छा अभी आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि अगर हम इस चीज़ को मान लो इस चीज़ को अगर हम नया तो यहाँ पर लिखा कि देयर इज़ ए न्यू वे टू व्यू योर पे आउट्स, अगर आपके मन में चल रहा है कि भाई यहाँ पे अपना जो पे आउट है इजिली आप बिजनेस शूट में आप देखोगे, चलो उस पर भी देखते हैं। ओपन न्यू पे आउट नाव पे जाते हैं, और जैसे ओपन नाव पे आप जाते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपका ये तो रेवेन्यू दिखा रहा है कितने डॉलर आपको मिले हुए हैं, ठीक है इतने सारी चीज़ें मिली हैं आपको, बट अगर आप इसको जैसे सेटिंग पे आते हो तो आप यहाँ पे सेटिंग पे देखोगे आपको कुछ भी शो नहीं करेगा, ये देखिए। जबकि सेटिंग में क्या दिखना चाहिए, सेटिंग में आपका दिखना चाहिए आपका बैंक इन्फॉर्मेशन, जो आपने डिटेल्स डाली है, जो आपने बैंक डिटेल डाला है वो सब दिखना चाहिए। अगर मैं यहाँ से कोई पे आउट अगर चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहाँ से ये पे आउट चेंज करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे इनकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ दिख रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे देखो ये वाला नया तरीका जो है इसमें देखोगे यहाँ पे कुछ चीज़ें शो हो रही है, किसी में शो हो रहा है किसी में शो नहीं हो रहा है, तो आखिर में ये सब चीज़ें क्यों हैं, क्या रीजन है इन सब चीज़ों के पीछे कि आखिर में जो आपकी डिटेल्स यहाँ पे नहीं दिख रही है। देखो आप ना हर चीज़ आप ध्यान से समझो, हर चीज़ आप यहाँ पे ध्यान से समझोगे आपको तब सब चीज़ें क्लियर होंगी, अन्यथा नहीं। सबसे पहली बात ये है कि भाई देखो आपकी जो बैंक इन्फॉर्मेशन है जो भी डिटेल्स आपने फिल की हैं अगर आपको कुछ भी डेटा नहीं शो हो रहा है तो उसमें, अच्छा कई लोग ये भी बोल रहे थे कि जैसे मैंने अपनी पेमेंट डिटेल्स अपडेट किया, जैसे मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट किया पहले शो हो रहा था लेकिन बाद में जैसे ही अपडेट किया गायब हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो भाई देखो अभी क्या है, मैंने हमेशा ये बात बोला जब भी कुछ ऐसा कोई केस जनरेट होता है कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है तो आप ये समझ लो कि फेसबुक का वो एक ग्लिच और बग हो सकता है, जिसको रिजॉल्व करने में मे भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है और आने वाले टाइम पे जल्दी ही वो सॉल्व हो पाएंगे और उसके बाद आपने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है, जो भी आपको बैंक डिटेल्स अपडेट करनी है वो अपडेट कर पाओगे। तो ये जो अभी का हाल है फिलहाल जो अभी तक का केस दिख रहा है ये सब आप समझ लो एक बग है, बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा और कुछ लोगों का ठीक होना भी शुरू हो गया, और अगर आपका भी अगर ऐसा केस दिख रहा है। अच्छा ऐसे एक और सबसे मेन बात, क्योंकि अगर इसको आप मोबाइल में अगर आप इसको मोबाइल वर्जन में अगर आप देखोगे यानी डेस्क मोबाइल की अगर आप क्रिएटर स्टूडियो में जाओगे बिजनेस प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर तो वहाँ पे आपको पे आउट देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये सिर्फ आपको जो ये आपका जो सिस्टम है ये आपको सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप यानी वेब मोड में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप देखोगे इसको
मान लीजिए कि अगर आप देखो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इसकी बैंक इन्फॉर्मेशन अगर आप चेक करोगे तो आपकी ये सारी की सारी बैंक इन्फॉर्मेशन आपका पूरा का पूरा, मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा आप देख लेना, आप इसको मोबाइल में जाके देखोगे तो आपको वहाँ पे शो करेगा बट इधर नहीं शो करेगा। लेकिन अभी पर्सनली मेरा सजेशन ये है कि थोड़ा धैर्य रखिए, ये जो प्रॉब्लम है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा और आने वाले टाइम पे आप अपने जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी बैंक आप चेंज करना चाहते हो वो अपनी बैंक और डिटेल्स आप सब कुछ बदल पाएंगे। सो गाइस ये था एक अपडेट आपके पे आउट को लेकर, और इसके बाद की जो वीडियो आएगी भैया पे आउट हैक को लेकर उसको आप समझें डिटेल्स में, क्योंकि जिन सर का पे आउट हैक था उन्हीं के ऊपर वो पूरी डिटेल्स में वीडियो लेकर आऊँगा, उसको आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और कहीं ना कहीं आप भी सेफ एंड सिक्योर रहोगे। आजकल तो ऐसा भी केस चला भैया कुछ भी पता नहीं चला, आपने शाम को सब कुछ सोया और सुबह देख रहे हो तो आपका पे आउट नहीं है, आपका फेज नहीं है, आपका प्रोफाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी मेरे पास एक केस है, बहुत जल्दी एक वीडियो और आएगी, $26,000 अभी शाम तक सब कुछ था, जब सुबह सो के उठ कर देखा तो वो सब कुछ पेजेस गायब, प्रोफाइल गायब, पेज गायब, सब कुछ गायब, और साथ वो पैसा तो तुम्हें पता वो तो मिलना ही नहीं है। क्या है पूरी अपडेट्स नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, मिलता हूँ एक नेक्स्ट और एक अच्छा। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं मुझसे इसकी रिगार्डिंग तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सअप नंबर 9311478127 जो कि मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर सब कुछ मैंशन है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एक नॉलेजबल कॉन्टेंट का, टेक केयर।